वेलकम बैक टू माई चैनल ब्यूटीफुल लाइफ एंड मी रिंकी जायसवाल। मैं रिंकी, जानते तो है ना गाइज। और गाइज यहाँ पे मैं जो है ना अपने बालों को स्ट्रेट कर रही हूँ, और बालों को स्ट्रेट करने से पहले आप बालों पे जो है ना जेल जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप जेल नहीं लगाएंगे तो बाल डैमेज होने के चांस रहते हैं। क्योंकि सिंगल अगर बालों पे आप जो है ना स्ट्रेटनर लगाएंगे तो बाल जलने का चांस होता है, डैमेज होने का चांस होता है, तो इसके पर एक लेयर लगाया जाता है। अगर आपके पास जेल है तो वो लगा लीजिए, अगर जेल नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको लगाने के बाद मैं स्ट्रेटनर से जो है ना अपने बालों को स्ट्रेट कर रही हूँ। आप देख रहे हो पहली बार मैं लगा रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, तो फर्स्ट टाइम मैं अपने बालों को स्ट्रेट कर रही हूँ घर पर। और घर पर क्या, मैं जो है ना पार्लर में भी कभी अपने हेयर को जो है ना स्ट्रेट नहीं की हूँ, तो जैसा भी मैं कर पा रही हूँ मैं कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। और बहुत अच्छी ये मशीन है, बाल काफ़ी हद तक जो है ना मेरे बाल हेयर जो है ना स्ट्रेट हो गए। तो गाइज यहाँ पे मैंने एक साइड स्ट्रेट कर लिया है, तो अब मैं दूसरे साइड में भी जो है ना जेल लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने बालों को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया था, जिसमें करने में आसानी होता है स्ट्रेट करने में। और ऐसे होता है ना बाल मिक्सअप होता है, पता नहीं चल पाता कौन सा स्ट्रेट है कौन सा नहीं स्ट्रेट हो पाया है, तो इस साइड भी मैं इसी तरीके से स्ट्रेट करूँगी। थोड़ा सा पेन होता है क्योंकि बालों को खींचना पड़ता है स्ट्रेटनर से, और धीरे धीरे खींचेंगे तो थोड़ा सा पेन तो होगा ही, लेकिन हेयर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेट हो जाते हैं। और मेरे हेयर तो आप देख सकते हो कितने बाउंसी है, कितने मुड़े मुड़े से हैं, तो इसको करने में मुझे कम से कम एक घंटा लग गया था, और जितना भी मैं कर पाई थी उतना मैंने किया था, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ज़्यादा देर तो खड़ी नहीं हो सकती हूँ इसकी वजह से। गाइज आप देख सकते हो प्लग काफ़ी दूर है, और यहाँ पे स्ट्रेटनर लगाना होता है, और तार स्ट्रेटनर का इतना ज़्यादा लंबा नहीं था कि मैं बेड पे बैठ के आराम से कर पाऊँ, फिर भी मैंने किया है खड़े होकर, जितनी देर में कर पाई हूँ एक घंटा खड़ा होना पड़ा था। तो आप देख सकते हो मेरे हेयर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट हो गए हैं, क्योंकि बाउंसी है और थोड़े से मुड़े मुड़े से हैं, तो करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, ज़्यादा अच्छी तरीके से स्ट्रेट नहीं हो पाया था, पर जितना भी हो पाया था मैंने किया था। तो गाइज बस यही है, और काफ़ी अच्छे बाल हो गए थे, शाइनिंग हो गई थी बालों में, और काफ़ी सुंदर लग रहे थे, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। आप लोग बताइएगा कैसे लग रहे हैं मेरे हेयर स्ट्रेट होने के बाद। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल लाइफ एंड मी रिंकी जायसवाल। मैं रिंकी, जानते तो है ना आप, और आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो गाइज आज की तारीख है 25 नवंबर, और आज का दिन है मंडे, तो इवनिंग के 7 बज रहे हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया ब्लॉग चालू करने में, और लेट भी नहीं हुआ क्योंकि पिछले एक घंटे से जो आप देख रहे हो कि मैं बालों को स्ट्रेट कर रही हूँ, तो उसी काम में लगी हुई थी। पर अभी मैं आप सबसे मिल रही हूँ तो इस समय 7 बज रहा है, और ब्लॉग मैंने चालू किया था तो 6:45 बजे के करीब में चालू किया था। आपको पता है कि बालों को स्ट्रेट करने में 1-1.5 घंटे चले जाते हैं, वो तो कहीं भी नहीं लगते, कि मतलब 1-1.5 घंटे 2 घंटे तो लग ही जाते हैं, क्योंकि बहुत स्लोली करना पड़ता है स्ट्रेट। तो आप देख सकते हो कि बालों में कितनी शाइनिंग आ गई है, मतलब कि मेरा बड़ा मन था मेरे बालों को स्ट्रेट करने के लिए, और इसकी वजह से मैंने कम से कम 3-4 साल से सब सोच रही थी स्ट्रेटनर लेने के लिए, पर कह रही थी कि मुझे मेरे हिसाब से नहीं मिल रहा था और मुझे दिख भी नहीं रहा था। और पहले जो है ना ऑनलाइन शॉपिंग में ज़्यादा भरोसा मैं करती नहीं थी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे ऑनलाइन शॉपिंग में विश्वास नहीं है। और जब मैंने जो है ना देखा ऑनलाइन, मैंने आपको बताया था ग्लो रोड से मैंने ख़रीदा है, तो वहाँ पर जब मैंने इसको देखा तो उसमें 2-in-1 था, मतलब स्ट्रेटनर और रोलर दोनों ही था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने वहाँ से मंगवा लिया। और आपको पिछले किसी ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था स्ट्रेटनर, तो आपको अगर इसका पूरा रिव्यू चाहिए या स्ट्रेट करते हुए मुझे दिखाना है पूरा अच्छी तरीके से, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। लेकिन मैंने बस 1-1.5 घंटे ही किया था, उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, मतलब बाल स्ट्रेट हो गया आप देख सकते हो। और आप हमेशा ही मुझे देखते हो तो मेरे बाल थोड़े से कर्ल हैं, वैसे तो मेरे बाल सिल्की और जो है ना स्ट्रेट ही हैं, पर थोड़े से जैसे कहते हैं ना बाउंसी होता है, तो उस टाइप से मेरे बाल हैं, लेकिन अब मुझे बड़ा स्ट्रेट हो गए ना, बहुत अच्छा लगा देखने में मुझे भी। तो बस यही है। तो गाइज आप लोग बताइए अगर कैसा लग रहे हैं मेरे बाल, क्योंकि पहली बार मैंने स्ट्रेट करवाया, तो स्ट्रेट करवाया कि करा है मैंने, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप लोग भी कमेंट्स करके बताइए कैसा लग रहा है, और इसका पूरा मतलब कि आपको रिव्यू चाहिए तो ज़रूर कमेंट्स कर दीजिएगा। और मैंने जो है ना इस समय जो है ना जब स्ट्रेट कर रही थी तो मैंने जेल लगाया था अपने बालों में, एलोवेरा जेल पतंजलि वाला,
तो गाइज जो है ना, क्योंकि वही मेरे पास था अवेलेबल, और कहते हैं ना कि स्ट्रेट बाल करने में जो है ना, खाली बालों को स्ट्रेट नहीं करना चाहिए क्योंकि बालों पे हार्म पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है। तो उसके लिए मैंने एलोवेरा जेल लगा दिया था, उसकी कोटिंग कर दी थी जिसमें बालों को नुकसान ना पहुंचे। बाकी जो है ना, मेरे पे स्प्रे तो था नहीं स्ट्रेटनिंग वाला, क्योंकि मुझे बड़ा क्रेज हो रहा था कि अपने बालों को स्ट्रेट करूं। तो मैंने सोचा कि चलो एलोवेरा जेल से ही मैं स्ट्रेट कर लेती हूं, क्योंकि मैंने एक चैनल पे देखा था कि उसने एलोवेरा जेल से स्ट्रेटनर का मतलब जो स्प्रे होता है उसी उसी टाइप से बनाया था। तो मैंने कहा अभी जो है ना, जब आपको रिव्यू दूंगी तो अच्छी तरीके से उसको बना लूंगी घर पे होममेड, तो मैं आपको दिखाऊंगी, या तो फिर मैं बाल स्ट्रेट करने वाला स्प्रे खरीद के लाऊंगी तो उससे मैं दिखाऊंगी। बट अभी मुझे जो है ना, अपने बाल स्ट्रेट करना था तो मैंने एलोवेरा जेल लगा के ही स्ट्रेट कर लिया। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए कैसे लग रहा है। तो और अभी जो है ना, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे ब्लॉग को रेगुलर देखते हैं या अभी विजिट किए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विथ बेल आइकन के साथ। बेल आइकन क्लिक करना जरूर, नहीं तो मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नहीं प्राप्त होंगे। और अगर ये ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ एक थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। तो चलते हैं, मैं थोड़ी देर में आप सबसे। तो गाइज़ मैं किचन में आ गई हूँ, यहाँ पे जो है ना बर्तनों को लगा रही हूँ अपनी अपनी जगह पे। और उसके बाद जो है ना, मेरे मिक्सी जार में मैंने काफ़ी दिन पहले, मतलब काफ़ी दिन नहीं, एक दो दिन पहले मैंने जो है ना भरवा मसाला बनाया था, पर उसका बॉक्स जो है ना गंदा था, धुला नहीं था, तो उसको धुल करके आज सूखा है। तो उस पर मैं भर रही हूँ मसाला, भर के रख रही हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे जो है ना मिक्सर जार को मैं साफ़ कर रही हूँ। तो आपको छोटा सा टिप दूंगी, क्योंकि मिक्सर जार में क्या होता है कि पीछे मशीन होती है जिसमें पानी चला जाता है, तो मशीन जाम हो जाती है और फिर उसको खुलवाना पड़ता है, उसको ढीला करवाना पड़ता है, क्योंकि मिक्सर जार फिर चलता नहीं है, उसकी ब्लेटें चलती नहीं है। तो आप ऐसे इसको साफ़ कीजिए कि इसके पीछे पानी ना आए, और उस पीछे आप गीले कपड़े से हल्के हाथों से पोंछ सकते हैं, जिससे वो जो है ना काफ़ी दिन तक चलता है अगर उसके पीछे पानी ना जाए तो। तो यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी है, इवनिंग की चाय है, तो आप देख सकते हो कितनी टेस्टी और कितनी अच्छी दिख रही है। तो अब मैं चाय पीने जाऊँगी इसके बाद। तो गाइस जो है ना, बस अभी मैंने चाय वाय पी करके, मैं काफ़ी देर हो गई, मैं तो काफ़ी देर पहले ही पिया था मैंने। पर तो गाइस जो है ना, बस अब डिनर बनाने की तैयारी है, और अभी मेरे हस्बैंड कहीं गए हुए थे लेकिन लौट आए हैं पता नहीं क्यों। तो बस मैंने सोचा था कि आज डिनर नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे को खाना था, तो लंच की जो सब्ज़ी बची थी वही मैं खा लेती, लेकिन अब बनाना पड़ेगा। तो वही मैं सोची थी कि क्या बनाऊं, क्योंकि कुछ भी होता है ना शाम को कुछ भी समझ में नहीं आता, दिन में तो समझ में आता है चलो दाल चावल रोटी सब्जी बननी है वो तो प्रॉपरली खाना है, पर रात को ही नहीं समझ में आता है क्या बनाया जाए ऐसा क्योंकि रात में या तो सब्जी रोटी, आज दिन में मेरे क्या सब्जी बना था, मतलब सब्जी चावल रोटी बना था, तो अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या मैं बनाऊँ, क्योंकि जो है ना देखते हैं सब्जी बनाते हैं या दाल बनाते हैं। वैसे मैंने दाल अभी खाया नहीं है, तो सोची थी दाल बनाने के लिए, लेकिन फिर यही था कि कौन सी दाल बनाएं, तो मैं तो अभी इससे है ना सब्जी ही बनाऊंगी, या जो भी बनने का मन करता वही बनाती हूँ, बाकी यही है अभी का फ़िलहाल। और बस जो है ना, एक जो है ना सब्सक्राइबर ने बोला था कि जो है ना जब भूख लगती है तो बेबी का मूवमेंट बहुत तेज़ हो जाता है, तो रियली सच्ची में मुझे नहीं पता, क्योंकि मूवमेंट अभी महसूस होता है पर थोड़ा थोड़ा महसूस होता है, उतना कंफर्म महसूस नहीं होता। और जैसा कि डॉक्टर का भी कहना था कि अब तो तुम्हारा बेबी मूव करता होगा तुम्हें महसूस होता होगा, बट रियली मुझे समझ भी नहीं आता है कि मूव करता है कि नहीं करता है, क्योंकि गैस बनती है। तो मैंने डॉक्टर से बोला था कि मुझे समझ में नहीं आता कि बच्चा मूव करता है कि नहीं करता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं समझ में आया होगा क्योंकि गैस भी तुम्हें बनती है और गैस की तरह ही फील होता है बेबी मूव करते हुए, तो तुम्हें जो है ना महसूस नहीं होता होगा कि बेबी मूव कर रहा है कि गैस आपको बढ़ रही है, तो आपका बेबी मूव करने लगा है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड भी यही बता रहा था कि बेबी मूव करता है। तो अब थोड़ा थोड़ा तो महसूस होता है, जैसे हर समय तो नहीं कह सकते कि गैस ही की फीलिंग हो, पर कभी कभार लगता है कि बेबी मूव कर रहा है कभी इधर कभी उधर, लेकिन वो कहते हैं प्रॉपरली घूमना तो वो नहीं मुझे समझ में आता, ये लगता है कभी इस बाई साइड में लग रहा है, कभी दाएं साइड में लग रहा है, कभी सेंटर में लग रहा है, तो ऐसी फीलिंग होती है मूवमेंट की। तो बस यही है, तो रियली मेरी भाभी का कहना है कि जो है ना बेबी उभर के भी आता है, उसका हाथ उसका सर उसका पैर हमेशा उभरता है पेट के ऊपर, तो ऐसा कोई फीलिंग नहीं, क्योंकि 5वें मंथ में बेबी कितना बड़ा होगा ही कि वो सोच है ना उभर के आएगा, और टमी का स्पेस काफ़ी बड़ा होता है, बेबी का स्पेस काफ़ी मतलब बेबी काफ़ी छोटा होता है, तो मैंने कहा शायद 6 मंथ में ही महसूस हो मतलब उभरे, बाकी उभरता तो अभी नहीं है, मूवमेंट तो करता है
ये तो मैं नहीं कह सकती, बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है, मूवमेंट तो करता है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी यही बता रही है कि बेबी मूवमेंट करता है, पर मुझे नहीं महसूस होता है क्योंकि मैं ये फील करना चाहती हूँ। कहते हैं हर माँ जो एक औरत होती है ना, वो माँ बनना चाहती है, और माँ बनने का जो कहते हैं एहसास वो लेना चाहती है, तो मूवमेंट एक ऐसे एहसास है जो हर माँ महसूस करना चाहती है, तो बस एक हर औरत महसूस करना चाहती है, तो वही मैं भी चाहती हूँ, पर प्रॉपरली मुझे महसूस नहीं हो रहा। रियली कब होगा ये मुझे नहीं पता, कि जब मैं छूँ तो पता चले कि यहाँ मेरा बेबी है, तो यहाँ मेरा बेबी है, तो ऐसा कुछ फीलिंग नहीं होता है। बस ये होता है कि वहाँ पे कुछ अजीब टाइप सा महसूस हो रहा, कभी इधर ऐसे अजीब टाइप से महसूस हो रहा, तो ऐसा ही कुछ फील होता है मुझे, तो बस यही है। तो चलते गए जल्दी से डिनर बना लेते, काफ़ी लेट हो गया क्योंकि मैं तो आराम से बैठी हुई थी, लेकिन आप सोचते हैं क्या बनाते हैं, तो चलते देखते क्या बनाते हो क्या। आज शेयर तो कुछ भी नहीं करूँगी क्योंकि मैंने एक चीज़ तो शेयर कर दी कि ये हेयर स्ट्रेटनिंग कैसे मतलब करती हूँ या मैं कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि ट्राई तो मैंने किया है, बाकी डिनर में शेयर करना क्योंकि कोई पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो भी बनाऊँगी झटपट। तो गाइस आप भी डिनर बनाने का टाइम हो गया, और डिनर में मैं मसूर की दाल बना रही हूँ, छिलके वाली खड़ी मसूर की दाल। तो यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ाया, कुकर में ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद उसमें लहसुन और जीरा और थोड़ा सा हींग डालेंगे और इसको गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। गोल्डन कलर का लहसुन होने के बाद मैं इसके अंदर प्याज डालूंगा और प्याज को भी थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूंज लूंगी, और उसके बाद जो है टमाटर और मिर्च को डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने टमाटर और मिर्च को डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं जो है रेगुलर मसाला यूज़ करूँगी, जैसे हल्दी पाउडर, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसके अंदर सब्जी मसाला डालूंगी और थोड़ा सा मीट मसाला डालूंगी इस खुशबू के लिए। बस इतना ही मसाला डालूंगी और अच्छी तरीके से मसाला को फ्राई कर लूँगी, और इसके बाद इसके अंदर दाल डालूंगी, मसूर की दाल जो मैंने धो के रख दिया है। तो इसे उसके बाद इसको भूंजूंगी थोड़ी देर के लिए, बस 2-3 मिनट के लिए। इससे क्या होता है, मसूर की दाल का जो टेस्ट होता है बहुत सोंधा हो जाता है। अब इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी क्योंकि मसूर की दाल मैंने 1-2 मिनट भूंज लिया था, और उसके बाद ढक्कन लगा के 2-3 सीटी ले लूँगी बस। तो गाइस अब जो है ना डिनर वगैरह हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं टहलने के लिए, क्योंकि डिनर के बाद डॉक्टर ने मुझे टहलने के लिए बोला है, तो ये अभी गेट बंद कर रहे हैं तो आ जाएंगे। तो बस जो है ना अब हम लोग सब्जी वगैरह खरीद के, और लड्डू भी खरीदा है रास्ते, मुझे खाने का मन था। तो यहाँ पे मैं रेस्टोरेंट में एक चाउमीन खा रही हूँ, क्योंकि मैं आप ये सोच रहे होंगे कि डिनर के बाद चाउमीन, तो मेरे हस्बैंड को मसूर की दाल बिल्कुल नहीं पसंद है, तो इन्होंने थोड़ा ही सा खाना खाया था तो वही खा रहे हैं। मुझे मसूर की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत खाने का मन कर रहा था, और मेरे क्या होली में ही मसूर की दाल बनती है क्योंकि मैं के रिवाज है, और इसके बाद नहीं बनती, अगर जब मेरा खाने का मन होता तभी बनता है। तो यहाँ पर मैं जो है ना सब सामान ले करके बस टहलते हुए आप अपने घर जाऊंगी, और टहलना भी हो जाता है और सामान भी खरीद लेते रहते हैं। डिनर वगैरह हो चुका और मैं बाहर टहल के भी आ चुकी हूँ, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जो है ना रोज़ इनकी रूटीन मैंने लगा दी है कि बाहर मुझे टहलाना है, क्योंकि मैंने ही नहीं लगाया, डॉक्टर ने ही लगाया है, और डॉक्टर का कहना है कि मॉर्निंग में और इवनिंग में आप इसको टहलाइएगा, मतलब डिनर के बाद और मॉर्निंग के टाइम में। तो मॉर्निंग के टाइम में तो नहीं जाना हो पाता क्योंकि आपको पता है, जैसे कि बार बार कहती हूँ कि मैं रात को सोती नहीं, तो मॉर्निंग में मुझे नींद आती है, वैसे जल्दी मैं मॉर्निंग में भी टहलना स्टार्ट करूँगी, बट इस समय तो मैं सिर्फ डिनर के बाद ही टहलने जाती हूँ। तो डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है, आज मैंने डिनर नहीं शेयर किया आपसे, इसलिए सॉरी, पर रोज़ मैं वही चीज़ नहीं शेयर करते, नहीं बनता, मुझे लगता है कि आज नहीं शेयर करते हैं, तो गाइस इसीलिए मैंने नहीं शेयर किया। तो बस मैं टहल के आ गई, क्योंकि रोज़ आजकल मैं रेगुलर इनसे कहती हूँ मुझे टहला लाओ, क्योंकि अब जो है ना 5 मंथ है, तो अब धीरे धीरे टहलना चालू करेंगे। हालांकि मुझे पता है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी तो बहुत कम ही किसी का चांस होता है हो जाए, सिजेरियन ही जल्दी होता है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि शायद नॉर्मल हो जाए। तो बस इसीलिए मैं सोचती हूँ कि रोज़ मुझे मॉर्निंग में, ऊपर से क्या नॉर्मल डिलीवरी हो या ना भी डिलीवरी हो, लेकिन टहलना ज़रूरी होती है प्रेगनेंसी में, कहता है उससे आपका स्वास्थ्य और आपके बेबी का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है, और दूसरी बात यह है कि आपका खाना डाइजेस्ट होता है। तो मैं जो है ना इसलिए मॉर्निंग में तो नहीं टहल पा रही, पर इवनिंग में प्रतिदिन मैं जाती हूँ टहलने के लिए, कभी रेयर ही होता है कि मैं नहीं गई हूँ, लेकिन आज इनको भूख लगी थी, मतलब डिनर बन गया था, और ये इनको जो है ना मसूर की दाल बिल्कुल नहीं पसंद है, तो किसी तरीके से इन्होंने खाया हुआ था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कहा कि चलो थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, तो वही ये जो है ना चाउमीन वगैरह मंगवाए थे, तो चाउमीन इन्होंने खाया है, मतलब मैंने दोनों ने खाया है, हाफ चाउमीन मंगवाए थे तो हम दोनों ने शेयर किया था। तो गाइस यही है, आप लोग यही कहोगे कि आप दीदी आप लोग आप जो है ना फास्ट फूड नहीं खाया करो बाहर का, पर कभी कभार तो चल जाता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा खा लिया,
तो बस यही है। तो गाइज इस ब्लॉग का मैं यहीं पेंट करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा।